ये गाना आखिरी था। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कभी कभी जिंदगी में कुछ गीत सुनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गीतों का मतलब कुछ और हो जाता है। मेरे पास बच्चे तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि तुमने ये स्मिता की पहली और आखिरी फिल्म गाई है। मेरे पास में वो वक्त है जो मैंने उसके साथ में गुजारा है, और मैं वो वक्त की सुइयां तुम्हें दे रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ पर ये बहुत बड़ी होगी, लेकिन हमेशा तुम उसी तरह की लड़ाई लड़ती रहो, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी दे रहा हूं। अब स्मिता का नाम लिया है तो स्मिता कभी कभी गिफ्ट के साथ में कुछ लिख के भी देती थी। राज सर, ये कितनी बड़ी बात है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है उसको मिला है। रियली आई मीन एवरी वन हु वॉज इन हर टाइम और नॉट वॉज इन लव विद स्मिता पाटिल जी फॉर द पर्सन शी वॉज। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो जन्म जन्म का साथ जो ये गाना है, उनके ओरिजिनल कंपोजर आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। कहाँ है जुगल? जुगल किशोर जी कहाँ? जुगल किशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात, क्या आवाज, गाना लेकर के तबीयत खुश है। थैंक यू, मिलते हैं भी हम। अनन्या बहुत ही सुरीली सिंगर है। हाँ जी। और मुझे उस वक्त गाना सुनते समय ऐसा फील हो रहा था जैसे लता भाई खुद गा रही हैं। अरे वाह वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए अनन्या। बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया 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 जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। तो आपने स्मिता जी की यादें ऐसे ताज़ा कर दी हम सबके यू नो दिलों में। इसके लिए एक बहुत स्पेशल ये परफॉर्मेंस हिट से ज़्यादा हिट है। फरीदाबाद की छोटी डॉन आद्या मिश्रा। क्या आद्या गाना कौन सा गा रही है? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए गाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात। आद्या आपके लिए भी हमने एक सरप्राइज सोच के रखा है। तो दोस्तों अब इस मंच पे आ रही है वो जिन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से 80s के दौर में हर दिल पे राज किया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें ग्लोरी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म फेयर अवार्ड विनर सिंगर एक्टर सलमा आगा जी। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है कि तुमको आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा।
बार सलमा जी के लिए एवरीवन जोरदार तालियां। बहुत वाह 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 वाह। हमारी तरफ से सबको ही बहुत मोहब्बत भरा आदाब, और एक आदाब वहाँ बहुत खास, वो पुराना आदाब है, अब भी आदाब है। मुझको नमस्ते ही कर लो, मैं तो देख के सरप्राइज हो रहा हूँ। हमें अपने हीरो से मिलवाया आज इतने सालों के बाद। ये दूरी हमको अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, हम लोग मिलते हैं। सॉरी। देखना जरा सीढ़ियां हैं, वहां से उतरने में दिक्कत होगी। नहीं, सीढ़ियों में हमें दिक्कत नहीं होगी, आप कहिए, मुड़ के आपके पास आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड यू ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो आदिया मिश्रा, लवली यूनिक वॉइस यू हैव, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आपसे ये सुन रही हूँ, इट मीन्स अ लॉट। और आज मैं आप ही का गाना गाने जा रही हूँ, दिल के अरमां आंसू में बह गए। हम खास तौर पे आपका गाना सुनने आए हैं। थैंक यू सर। आपकी जो मूवी है निकाह, उसका एक बहुत फेमस शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज वो शेर हम सबके लिए एक बार बोलिए। वो मैं बोलूं, लेकिन सूखा शेर नहीं बोलूंगा, सूखे फूल के साथ बोलूं। ओ, सूखे फूल के साथ, वाह वाह वाह। अर्ज किया है। आए, हाए, अरे हाए। आप तो बोल दो इरशाद। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपका नाम इरशाद है, तो हम कैसे कहे। माशाल्लाह, ये सलमा जिनका नाम कहां से पड़ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये लो किताबों में। दिल के अरमान जजेस। एक और बात आप सबको बताना चाहूँगा, शुभदीप ने तो अपने सर पे एक जिम्मेदारी डेफिनेटली उठाई है, कोलकाता उन्हें आइडल की ट्रॉफी लेके जानी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या जिम्मेदारी उठाई है ये मैं नहीं बताना चाहूँगा। हमारे साथ आज यहाँ पर एक खास मेहमान है, आइए दोस्त यहाँ पर आ जाइए, स्टेज पर आइए। सबसे पहले तो नमस्कार सर, अगर सर शुभदीप दादा नहीं होते, मेरे गुरु हैं, अगर दादा नहीं होते तो शायद मैं आज बस कंडक्टर होता या कुछ और कर रहा होता। मेरी माँ को ओसीडी की पेशेंट है, मेरी माँ ओसीडी कहने के लिए तो मात्र एक बीमारी है कि साफ सफाई की बीमारी, बट ये जिसको भी होता है उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो मेरे पापा ने उनका बहुत ट्रीटमेंट कराया, लगभग 20 साल पूरा प्रॉपर्टी जो कुछ भी था सब बेच दिया, और पापा इलाज कराते कराते इतने डिप्रेशन में आ गए कि पापा अब नहीं रहे। और मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था, सबसे पहला फोन मैंने दादा को किया था कि पापा नहीं रहे। मैं बोला दादा अब तो मुझे पापा का जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और माँ का इलाज भी कराना होता था तो पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। तो दादा बोले कि तुम वो जॉब नहीं करोगे, मैं पैसे भेजूंगा,
दादा ने मुझे पैसे भेजे, माँ का इलाज कराया, फिर दादा ने मुझे अपनी एकेडमी में नौकरी दिया जहाँ मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ। और दादा ने मुझे मेरे शहर में ओरई से हूँ, यूपी के ओरई शहर से, दादा ने मेरा वहाँ पे भी एक एकेडमी खुलवाया और मैं वहाँ पे भी म्यूजिक सिखा के घर चला रहा हूँ। अगर दादा नहीं होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ पे होता। मुझे पता है मेरे पापा का जो एकेडमी था तो उसमें मैंने जब शुरू किया तो 2020 में, तब लॉकडाउन भी लगी हुई थी, तो वो पहला स्टूडेंट था, मुझे याद है। मैं यहीं पे मुंबई में बैठ के ही एक बैल्कनी में बैठ के इसको क्लास कराया था। तो उस दिन से इसके साथ मेरा एक रिलेशन हो गया है, दिखता भी मेरे तरह है काफ़ी। वो सारे शाम, वो सारे क्लासेस में डिस्कशन, फ़ोन में डिस्कशन याद आ रही कि मैं चाहूँगा ये डेफिनेटली मेहनत करे और यहाँ पे आए और इस स्टेज में ये भी अपना एक नाम करे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पापा तो नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे दादा के तौर पे मेरे पिता जैसे ही हैं मेरे लिए। हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। क्या बात है, शुक्रिया। तुम सिर्फ उस्ताद ही नहीं हो, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तुम खुद भी अपने आप को काबिल बना रहे हो और लोगों को भी अपने साथ काबिल बना रहे हो। जीते रहो। मेरा दिल कह रहा है कि तुम ये ट्रॉफी लेके जाओगे। थैंक यू सो मच। कलकत्ता का एकेडमी के लिए कुछ भी तुमको हेल्प चाहिए होगा तो तुम मेरे को बोल सकते हो। आई विल बी ऑलवेज विद यू। बहुत बहुत ही ज़्यादा हो गई। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।